हाय, मेरा नाम प्रशांत है। आज मैं बात करने आया हूँ। मैंने अपनी गाड़ी में कुछ चेंज किया है, धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी चेंज किया है इसमें, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैंने अभी अपना फ्रंट बम्पर ये चेंज किया, फ्रंट की ग्रिल चेंज की। बम्पर चेंज करने का सबसे बड़ा कारण है कि जो मेरा पहले वाला बम्पर था वो फाइबर का था, और इसका जो मेन पर्पज़ है चेंज करने का वो है बिंच। मैं इसके अंदर बिंच लगवाने वाला हूँ। एक्चुअली आपको ध्यान होगा, जिस दिन दिनेश की गाड़ी फंस गई थी और उसको बाहर निकाला था, तो दिनेश की गाड़ी में बिंच लगी हुई थी। वो अपने आप भी बाहर निकल सकता था अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता, मीन्स जैसे पेड़ हो जाता या कोई बड़ा सा पत्थर होता, तो उसने खुद भी बाहर निकल जाना बिंच के सहारे। बिंच ने बहुत अच्छे ढंग से गाड़ी को बाहर निकाला। हाँ, वहाँ पे किस्मत थोड़ी सी ये ख़राब थी कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जैसे कोई पत्थर हो या कुछ ऐसा, कोई पेड़ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके साथ बिंच को फंसाया जाए। उसी ऑन द मीन टाइम मैं पीछे से आ गया, तो मेरी गाड़ी को ऑब्जेक्ट बना के मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने दिनेश की गाड़ी को बिंच ने बड़े अच्छे से बाहर निकाला। तो उस दिन सेकंड टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिंच कितनी ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने ये बम्पर चेंज किया, लोहे का बम्पर डलवाया। इसके अंदर बिंच फिट करवाऊंगा, अभी फिट नहीं करवाइए, करवाऊंगा अभी बिंच, जल्दी ही फिट करवाऊंगा। ये आर्क थोड़ी सी ब्लैक कर दी है मैंने, और ये पीछे का बम्पर चेंज करवाया है। ये जो पीछे का बम्पर है ये भी लोहे का है, पहले इसमें फाइबर का बम्पर था, अभी लोहे का बम्पर डलवाया। इसमें लाइटिंग लाइट थोड़ी सी चेंज होगी। जो फाइबर का बम्पर था वो ऑफ रोडिंग में, मतलब ऐसे इधर उधर गाड़ी चलाते चलाते वो 90% टूट गया था, तो ये थोड़ी सी चीज़ें चेंज करवाई हैं। दूसरा कारण है फ्रंट बम्पर चेंज करने का। मेरा जो पहले फाइबर का बम्पर था वो सारा का सारा मतलब बड़ा बम्पर था। वो क्या कर रहा था कि जैसे 2.5-3 फुट से अगर ऊपर बर्फ़ है तो वो पूरे बर्फ़ को अपने मुंह के सामने इकट्ठा कर लेता था, और गाड़ी में बहुत ज़ोर लगता था, और मेरे को गाड़ी पीछे लेनी पड़ती थी, फिर गाड़ी से फिर धक्का देना पड़ता था बर्फ़ को। अब इसका क्या है, इसका ये थोड़ा बम्पर ऊंचा है और ऊपर से लोहे का है, तो इसके टूटने के चांस कम है। वो जो फाइबर का बम्पर था वो अंदर से सारा टूट गया था, वो जुगाड़ करके मैंने लगाया हुआ था, तो ये चेंज किया है। थोड़ा बहुत अंदर चेंज करना है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। टायर चेंज करने हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअली क्या है कि उतना पैसा नहीं अपने पास कि एकदम से बड़े बड़े टायर, बड़े बड़े अलॉय ये सब कुछ डलवा लें। तो अभी तक मेरी गाड़ी में चप्पल पे चला हूँ, सिंपल SC टायर है, इन्हीं से सब जगह जाता हूँ। तो किया क्या, हमारे पास उतना पैसा तो है नहीं, तो हमने क्या किया कि पैसा नहीं है उतना, सब कुछ डलवा नहीं सकते, हमने अपने ड्राइविंग स्किल्स सुधार लिए। कि हमने अपने ड्राइविंग स्किल वैसे कर लिए हैं कि जैसे हम इन्हीं चीज़ों के साथ जीना सीख गए हैं। आज के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।